हम आए हैं एकदम से जो कि यहाँ पे नेचुरोपैथी एंड योगा क्लिनिक पे यहाँ पे आए। मेरा साथ में बैठा हुआ है डॉक्टर, तो हम लोग यहाँ जानेंगे कि यहाँ किस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है। और ये नेचुरोपैथी एंड योगा एक ट्रीटमेंट तरीका है, बिना दवाई से हम ट्रीटमेंट करते हैं। मतलब यहाँ नॉर्थ ईस्ट साइड में इतना लोगों को, आज भी लोगों को नहीं पता है ऐसे ट्रीटमेंट तरीका है। जो भी बीमारी होगा, मतलब गैस्ट्राइटिस का बीमारी होगा, कुछ जॉइंट्स या मसल का दर्द होगा, अगर कुछ कॉन्स्टिपेशन ऐसे जो भी दर्द हो, जो भी प्रॉब्लम्स होगा, कुछ लोगों को माइग्रेन होगा, हेडेक होगा, और वो सब बीमारी के लिए, स्पेशली लाइफस्टाइल बीमारी, मतलब बीपी का प्रॉब्लम, शुगर का प्रॉब्लम, वो सब प्रॉब्लम्स हम बिना दवाई से ट्रीटमेंट करते हैं। दवाई कुछ नहीं दे दूंगा। तो अगर आपका प्रॉब्लम साल से है तो यहाँ आपको ट्रीटमेंट 3 महीना ऐसे होगा, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है आपको यहाँ सिर्फ 1 वीक के लिए आना पड़ेगा। बाकी सब घर में क्या क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और आपका बीमारी के हिसाब से कुछ हर्बल ड्रिंक्स भी होता है, वो सब हम दे दूंगा। तो बिना दवाई से ट्रीटमेंट होगा। यहाँ ये क्लिनिक में अक्यूपंक्चर, मतलब बहुत पतला सुई उपयोग कर चिकित्सा, हाँ अक्यूपंक्चर, हाइड्रोथेरापी, न्यूट्रिशन, डाइट, वो सब में नेचुरोपैथी में आते हैं। तो अक्यूपंक्चर बहुत पतला सुई है, कुछ लोगों को जानते हैं वो, हम हमारा ये बॉडी जो ट्रीटमेंट के लिए, मतलब डिजीज के हिसाब से हम वो पंक्चर करूँगा, दर्द नहीं होगा, बहुत पतला नीडल से। और दूसरा ट्रीटमेंट है डाइट थेरापी। डाइट थेरापी मतलब जो आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और कुछ हर्ब्स होगा आपका डिसीज से हिसाब से, वो दे दूंगा। और ट्रीटमेंट होगा हाइड्रोथेरापी, मतलब पानी यूज़ कर ट्रीटमेंट। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है यहाँ, मेल हाइड्रोथेरापी सेक्शन, फीमेल हाइड्रोथेरापी सेक्शन, उसमें पानी अलग अलग टेम्परेचर, प्रेशर और फॉर्म्स में हम करते हैं, और होता है मसाज। और इसके साथ साथ एक नेचुरोपैथी में एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है योगा थेरापी, मतलब कुछ रिलीजियस जैसा नहीं है। तो अगर आपको गैस्ट्राइटिक का प्रॉब्लम है, गैस्ट्राइटिक के लिए कुछ योगासन होता है, अगर आपका बीपी का प्रॉब्लम है, बीपी के लिए, तो ऐसे कुछ हिंदू आचार ऐसे जैसा नहीं है योगा का, मतलब यहाँ थेरापीटिक योगा होता है, थेरापीटिक होता है। और अभी पब्लिक के लिए इवनिंग हम 4 से 5 बजे तक अभी ये योगा शुरू है, पब्लिक के लिए अभी आता है लोग। तो ऐसे होता है नेचुरोपैथी, बिना दवाई से हम ट्रीटमेंट करते हैं। और कोर्स में अगर किसी को नेचुरोपैथी डॉक्टर बनना है, वो +2 साइंस के बाद बायोलॉजी साइंस होना पड़ेगा, उसके बाद आप किसी रेप्यूटेड BNYS कॉलेज में ज्वाइन कर सकते हैं। अभी अरुणाचल में यहाँ इंदिरा गांधी टेक्नोलॉजिकल मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी में ये BNYS कोर्स है। तो 5.5 ईयर्स का कोर्स है, मतलब जैसे MBBS इक्वलेंट टू MBBS भी है। जो अगर आपका BNYS कोर्स होने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में मेडिकल ऑफिसर पोस्ट मिलते हैं, अगर कुछ रिसर्च में जाना है वो भी कर सकते हैं, और एकेडमिक में असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रिंसिपल या प्रोफेसर, आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से जॉब मिलते हैं। अगर विदेश में जाना है, हायर स्टडीज़ करना है, विदेश में जॉब चाहिए, तो वहाँ भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, ऐसे होता है। इस वक्त हम आए हैं ये फिजियोथेरेपी क्लिनिक पे, तो मेरा साथ बैठा हुआ है डॉक्टर सर। तो हम आज जानने के लिए कोशिश करेंगे कि फिजियोथेरेपी या फिर एकदम से में किस तरह का यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है, तो हम जानेंगे हम डॉक्टर से। हाँ जी, नमस्ते जीरो वासियों को। जी फिजियोथेरेपी ये एक ड्रगलेस थेरेपी है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं मूवमेंट्स से जितने भी प्रॉब्लम होती है उसका क्योर करते हैं बिना किसी दवाई के। तो यहाँ पर हम लोग ज़्यादातर एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, मोडालिटीज यूज़ करते हैं, जो पेन को या कोई भी दर्द होता है, जो जॉइंट का दर्द होता है, मसल का दर्द होता है, इस टाइप के दर्द को हम लोग कम कर सकते हैं। हम लोग को जहाँ तक जो प्रॉब्लम होता है, जो कंडीशंस आती है, हम लोग डिफरेंट क्लिनिकल कंडीशंस होती है, जैसे ऑर्थोपेडिक कंडीशंस होती है, जहाँ पे मान लीजिए ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, या तो टेनिस एल्बो होती है, इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है, इन लोगों को हम लोग क्योर कर सकते हैं बिना दवाई का। साथ में कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस है, जैसे हम लोग लखवा कहते हैं, हेमिप्लेजिया, जहाँ पर बॉडी हाफ बॉडी पैरालिसिस हो जाता है, या तो आप देख सकते हो कि जो बच्चे होते हैं, जिससे हम लोग सिबल पैलसी बोलते हैं, मतलब जैसे बच्चे बर्थ होने के बाद नॉर्मल मैच्योर डेवलपमेंट होना चाहिए, वैसे होता नहीं है, तो उस सब के बच्चे का भी मूवमेंट्स डिसऑर्डर्स काफ़ी देखी जाती है, तो उनको भी हम सही करते हैं, ठीक करते हैं। और साथ में हम लोग और भी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि रेस्पिरेटरी पे
अभी फ़िलहाल आप लोग देख ही रहे हैं कोविड का काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसके कारण रेस्पिरेशन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को भी कम करने के लिए या तो सांस की मतलब जितने भी ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होती है उसको ठीक करने के लिए यहाँ पर भी फिजियोथेरेपीज काफ़ी वैल्यूबल होती है। साथ में मैं खुद ही एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हूँ जो स्पोर्ट्स के इंजरीज़ के ऊपर मैं पूरा केयर करता हूँ। इवन मेरे जितने भी रिसर्चेस है या जितने भी एक्टिविटीज़ हैं स्पोर्ट्स इंजरीज़ के ऊपर मेरा डील करना होता है। तो मेरे डिपार्टमेंट में मेरे साथ साथ और भी एमपीटी के टीचर्स हैं और काफ़ी हार्ड वर्किंग मेम्बर्स हैं जो क्लिनिकल डायग्नोसिस भी करते हैं और टीचिंग भी करते हैं। जैसे हमारे पास न्यूरो के हैं डॉक्टर ताकेश एपी, देन कम्युनिटी बेस्ड रिहैब के हैं डॉक्टर मिका, उसके पास हमारे पास और एक जो टीचर है डॉक्टर जरोमियासुम। तो ये लोग सभी फिजियोथेरेपिस्ट हैं और अपने अपने स्पेशलाइजेशन फील्ड होती है, जो सभी स्पेशलाइज्ड है अपने अपने फील्ड पे। साथ में यहाँ पे हम लोग कुछ कोर्सेज या प्रोग्राम सिखाते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, तो ये 4.5 ईयर्स प्रोग्राम होती है। तो इसमें 4.5 ईयर्स प्रोग्राम मतलब 4 ईयर्स उनको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में रहना पड़ता है और जो 6 मंथ्स का होता है उनको हम लोग इंटर्नशिप के लिए भेजते हैं। तो इंटर्नशिप के लिए हम लोग का भी कुछ टाई अप्स हैं, जैसे आरके मिशन के साथ हम लोग का टाई अप है और भी काफ़ी हॉस्पिटल्स के साथ हम लोग टाई अप कर रहे हैं। वैसे ही आपके दूसरे जो डिपार्टमेंट्स होती हैं, जैसे दूसरे जैसे अगर बच्चे चाहते हैं नहीं अगर और कहीं इंस्टीट्यूशन में या हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं, इवन हम लोग वहाँ पर उनके साथ टाई अप करवाते हैं। तो और एक इनका यहाँ का एक बहुत अच्छा बेनिफिट ये चीज़ दिखा जाता है कि यहाँ के जितने भी हमारे ट्रीटमेंट होती है, ट्रीटमेंट सबसे मिनिमल कॉस्ट में हम लोग यहाँ पे करते हैं, ताकि यहाँ के जितने भी मतलब जो फाइनेंशियली जिनके प्रॉब्लम होती है फाइनेंस के कारण ट्रीटमेंट नहीं करा पाते फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट, तो यहाँ पर हम लोग काफ़ी मिनिमम कॉस्ट लेके उनका ट्रीटमेंट करते हैं। साथ में यहाँ पे जो हम लोग एडुकेशन करते हैं मतलब जो हम लोग पीपीटी पढ़ाते हैं, हाँ उसका मिनिमम क्राइटेरिया होती है कि उसको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होनी चाहिए। और यहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर्स है ऑल ओवर इंडिया हम लोग ऑलमोस्ट मिनिमम फीस स्ट्रक्चर में रखे हैं, जितने भी आपके प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है या इंस्टीट्यूशंस है सबसे ऑल ओवर इंडिया हम लोग अपने आप को मिनिमाइज किए हुए, ताकि हम लोग का यूनिवर्सिटी का एक ही एम एंड मोटो है कि हम लोग यूनिवर्सिटी एज एडुकेशन को बढ़ावा दे, ताकि कोई बिजनेस को नहीं करके, ताकि यहाँ के बेनिफिट्स एकदम मतलब लो कैटेगरी मतलब जितने भी फाइनेंशियली जितने भी पुअर है हम लोग उनको भी कवर अप कर सकें और हम लोग एडुकेशन को और आगे बढ़ा सके करके। तो हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये बहुत दूर से आया है जी, स्पेशली ये एकदम से ये लाइफ सेविंग स्किल्स को या फिर वर्कशॉप को आज एक्सपर्ट के तौर पे आपने यहाँ पे होस्ट किया। और सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यहाँ जीरो पे आके कैसे लगा? या आई केम फॉर द फर्स्ट टाइम टू जीरो इन अरुणाचल प्रदेश। आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग एंड इट इज मोर देन वॉट आई एक्सपेक्टिंग। Extreme temperature difference, I came from Hyderabad, okay. So it is now summer and very hot, almost 40 degrees Celsius. Here it is very cool and I like this temperature and the culture. Yesterday we visited around the Arunachal Pradesh villages and all. So the culture and people, I felt very happy. And they are very polite and calm and I see, very happy to be in Arunachal Pradesh. About this today's workshop, okay. I'm Dr. Satish. Okay. I have done my post-graduation in emergency care. Okay. It is a 2 years course and intensive practical skills and all. And after that, I'm into emergency field almost 10 years. Okay. We have done a lot of experience in casualties and mock drills. And with different fields of experiences, and since last couple of years I'm into teaching, and we are teaching to community, we are teaching to different group of people including youngsters especially to handle the emergency, how to handle an emergency in case of nothing is there, if suppose somebody fell in front of you, so how to handle that situation, how to tackle that situation, how to call the help, what minimum things to save a life of a person with a skills, with your hands. So with that skills, like a simple, if somebody is bleeding, just hold down to control the bleeding with pressure. And if suppose somebody is not breathing properly, keeping in a comfortable position. And if suppose somebody is not having any life signs, like no breathing, unconscious, and even not even pulse.
if some healthcare providers are present in such places, they can identify that condition and start doing a special skill called CPR. So where, how to press the chest compressions. So we are orienting on this program so that people come to attend this complete skill program and they learn properly, perfectly, and to do on the real patients. So this orientation program was really interesting because the participants were very enthusiastic to attend this program. And even participants were asking good questions. We are very happy to answer them. और आप ऐसे एडमिशन ऑफिसर्स, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पे क्या क्या कोर्स यहाँ पे फैसिलिटेट किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ जेट, आपने हमारे वर्कशॉप को कवरेज किया। और आइए हम आपको हाईलाइट करते हैं कि एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट है लोगों के मन में कि इंदिरा गांधी टेक्नोलॉजिकल एंड मेडिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी, जो मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी है, इसमें खाली मेडिकल के कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ में प्रोफेशनल कोर्स भी पढ़ाए जाते हैं, लाइक BBA, MBA, BCom, MCom, एलॉन्ग विथ बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, नेचुरोपैथी, नर्सिंग, इन सब कोर्सों के साथ साथ कॉमर्स और मैनेजमेंट के कोर्स भी पढ़ाए जाते हैं। जो लोगों के अपडेट नहीं है, तो पहले तो हम ये आपको क्लियर करना चाहते हैं। तो जो हमारे प्रोग्राम्स की लिस्ट है, उसमें ANM नर्सिंग, GNM नर्सिंग, BBA, MBA, BCom, MCom, BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, MSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, और स्पोर्ट्स एजुकेशन लाइक BA फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एंड MA फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, PG डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग, ये सारे कोर्सेज हम लोग यहाँ ऑफर करते हैं। और विद क्लिनिकल एक्सपोजर एज वेल एज इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, अभी हम लोग और भी अप्रोच कर रहे हैं। पहले से भी हमारा MOU साइन है अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के साथ में, हॉस्पिटल्स के साथ में, जिसमें हम बच्चों को बेहतर एक्सपोजर दे सकें, चाहे वो क्लिनिकल एक्सपोजर है, चाहे इंडस्ट्रियल एक्सपोजर है, वो सारे एक्सपोजर्स हम बच्चों को प्रोवाइड करना चाहते हैं और कर रहे हैं। और एक और आपको अपडेट करना चाहते हैं कि जो भी बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन ले रहे हैं, ज़्यादातर स्पेशली अरुणाचल प्रदेश और स्पेशली अरुणाचल प्रदेश इन पर्टिकुलर एंड ऑल इंडिया इन जनरल, सो स्कॉलरशिप हमारे बच्चों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से scholarship.gov.in की तरफ से 100% फी रिवर्स हो जाता है। बच्चों को मान लो किसी का जो भी अमाउंट आपका हमारे यहाँ है, रिजनेबल फीस है, बहुत ही अफोर्डेबल फीस है, अगर बच्चा उसको पे करता है और उसका फीस को क्लेम करता है भारत सरकार को, तो जो उसका पोर्टल है, स्कॉलरशिप पोर्टल है, वहाँ से बच्चे के अकाउंट में डायरेक्टली बेनिफिट आता है। तो एक साल बाद बच्चे का जो एजुकेशन हुआ है ऑलमोस्ट फ्री हो जाता है। तो ये चीज़ें बाल लोगों को पता नहीं होती हैं, इसलिए सोचता है कि फीस कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, पढ़ेगा कैसे, टीचर सब कुछ अवेलेबल है। अभी हमारे और भी फैकल्टी मेम्बर्स ने आपको विजिट कराया होगा, OPD को, क्लिनिक्स को, लैब को, लेबोरेटरीज़ को, लाइब्रेरी को, इवन सारे ऑफिसर्स से, और आपने गैदरिंग भी देखी होगी। कि लोगों के मन में जो कन्फ्यूजन्स होते हैं मेडिकल साइंस को लेके कि खाली मेडिकल साइंस है, तो मेडिकल साइंस के साथ साथ और भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, और हम लोग आगे भी ट्राई कर रहे हैं कि कुछ और भी प्रोफेशनल कोर्स, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हम लोग प्रोवाइड करें। एक हमारा ऑनरेबल चांसलर सर का पंचलाइन है, बी ए जॉब गिवर रेदर देन जॉब सीकर। लोग एम्प्लॉयबल हो जाते हैं लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, वो गलत नहीं है, लेकिन अगर आप एम्प्लॉयबल नहीं हैं, आप इलिटरेट है, आपको नौकरी नहीं मिली, तो आपका गड़बड़ है, काम आपके पास प्रॉब्लम है। लेकिन आप एम्प्लॉयबल हैं और नौकरी नहीं मिल रहा है, तो गलत नहीं, आप एक ना एक दिन एम्प्लॉयबल हो जाओगे, एम्प्लॉयमेंट आपको मिलेगा। और डेट्स वाई बी ए जॉब गिवर रेदर देन जॉब सीकर। थैंक यू। तो इस वक्त हम आए हैं रजिस्ट्रर के ऑफिस, एकदम से के रजिस्ट्रर, ये मेरा सामने में बैठा हुआ है। तो हम लोग जानेंगे कि ये एकदम से इंस्टीट्यूट के बारे में और यहाँ पे किस किस तरह का कोर्स यहाँ पे रन किया जाता है, बोलके सर थोड़ा सा बता। नमस्कार सर। इंदिरा गांधी जो यूनिवर्सिटी है, ये सबसे पहले हमारा अरुणाचल का फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जो 26 मई 2012 को लेजिस्लेटिव असेंबली गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के द्वारा पास हुआ है। और हम लोग जो हैं मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी होने के नाते, हम लोग मेडिकल और आपका साइंसेस में ज़्यादा कोर्सेज को हम लोग ध्यान देते हैं, रन करते हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि ये जीरो प्लेटो में है, क्योंकि जीरो ऑलरेडी एक ब्यूटीफुल प्लेस भी है और यहाँ के जो हम लोग एजुकेशन हब भी मानते हैं इसको। तो
मैं इस बात को लेकर बहुत खुशी हूँ और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो है प्रेजेंटली जो है हमारे यहाँ पारा मेडिकल कोर्सेस रन करते हैं, जैसे कि लैब टेक्नीशियन हो गया। आप जानते हैं कि आज के दिन में लैब टेक्नीशियन का बहुत डिमांड है, जैसे जैसे कोरोना बढ़ा लैब टेक्नीशियन का डायग्नोस्टिक में बहुत इम्पोर्टेंस रहा है। इसी तरह से हमारे यहाँ नर्सिंग जैसे कि ANM है और JNM है, तो हमारे जो ANM जो है और JNM दोनों ही INC फुल्ली रिकॉग्नाइज है, APNC रिकॉग्नाइज है। तो हमारे और भी जो कोर्सेज हैं जैसे फिजियोथेरेपी जो है हमारा बैचलर इन फिजियोथेरेपी इसको कहते हैं, ये एक डिग्री प्रोग्राम है और ये हमारे यहाँ जो अभी 4.5 ईयर्स का कोर्स है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ एक जो और भी डिग्री प्रोग्राम है जो 5.5 ईयर्स का कोर्स है, इक्विवेलेंट टू MBBS है, जैसे कि उसको BNYS कहते हैं, उसका फुल फॉर्म होता है बैचलर इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, जो आज के दिन में बहुत ही ज़्यादा डिमांडेबल कोर्स है। जैसे आपको पता होगा कि अभी योगा मोदी जी ने बहुत ध्यान दिया इस बात को लेके, तो हम लोग जो है नेचुरोपैथी और योगिक साइंस चलाते हैं, जिसमें हम जो है ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन के बारे में बताते हैं। जैसे कि आज के दिन में आपने देखा होगा कि जो जीरो प्लेटिव को ही अगर हम बात कर लें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि खान पान उनका सही नहीं रहने का वजह से मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है सही नहीं होता है, इस वजह से उनको बहुत सारा कंस्टिपेशन प्रॉब्लम है, डायरियल प्रॉब्लम है, पाइल्स की प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़ को देखते हुए हमारे जो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी जो हम लोग OPD रन करते हैं, जिसको हम लोग जो हमारे ऑलरेडी हम लोग रजिस्टर्ड हैं OPD भी पॉली क्लिनिक के नाम से हमारा OPD रजिस्टर्ड है, और इसके अंदर हम लोग जो हैं फिजियोथेरेपी और BNYS हम लोग OPD रन करते हैं, जिसमें डे टू डे डेली हमारे 10-15 पेशेंट जो हैं उनका फीडबैक काफ़ी अच्छा है। तो हम ये जो है यूनिवर्सिटी के नाते हम जीरो के पब्लिक से भी ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको किसी तरह की कोई डाउट हो कि ये यूनिवर्सिटी को लेके, तो आप UGC साइट पे जाइए और UGC में चेक कीजिए कि हमारा इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि एफिलिएटेड है कि नहीं है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी जो है ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से पास यूनिवर्सिटी है, और जो भी यूनिवर्सिटी होती है यूनिवर्सिटी का अपना एक ऑटोनोमस पावर एंड फंक्शन है। तो हम लोग ऑटोनोमस पावर एंड फंक्शन के अंडर में हम लोग चलते हैं, हम लोग गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के जो रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलोअप करते हैं, और UGC का जो मापदंड के अनुसार से हम जो हमारे जितने फैकल्टी हैं वो सब UGC के जो नॉर्म्स है उसको फॉलोअप करते हैं। तो और मैं आपको इस बात की बिल्कुल गारंटी दे सकता हूँ कि हमारे जितने भी बच्चे 2013 से पास आउट हुए हैं, बहुत सारे बच्चों को अरुणाचल प्रदेश में गवर्नमेंट जॉब मिला है, इवन हमारे बहुत सारे बच्चे जो अभी ज्ञाति ताका में भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि हम मतलब जो हमारे बच्चे हैं वो अच्छी तरह से कर पा रहे हैं, और आने वाले समय में हम डेफिनेटली आपको कह सकते हैं कि हम बाकी यूनिवर्सिटी से अच्छे काम कर रहे हैं, क्योंकि मेडिकल और साइंस अभी अरुणाचल प्रदेश में बहुत कम है। अभी जो TRIMS आया है उससे पहले से हम लोग हैं, तो हम लोग मेडिकल एडुकेशन में हम लोग काफ़ी अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आज का जो प्रोग्राम था, आज का प्रोग्राम था लाइफ सेविंग स्किल्स के ऊपर में, तो आपको लाइफ सेविंग स्किल्स जो है बेसिकली आज के जो दौर में हर आदमी अपना गाड़ी चलाता है, हर आदमी के पास अपना गाड़ी है, हर आदमी डेली का दिन भर का लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी है, तो ये बिजी शेड्यूल्स में कभी कभी क्या होता है घटना हो जाती है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, चाहे आपके साथ ना हो भगवान ना करे, लेकिन किसी के साथ भी अगर होता है रोड पर, तो हम लोग जो पब्लिक मेडिकल साइंस से रिलेटेड नहीं है उनको इस बारे में अगर नॉलेज नहीं होता है तो वो परेशान हो जाते हैं कि क्या करें, हम कैसे हम अपने दोस्तों को सपोर्ट करें। तो ऐसे केसेस में आज जो हम लोगों ने लाइफ साइंसेस के ऊपर में आपका लाइफ सेविंग स्किल्स के ऊपर में जो प्रोग्राम किया, इसके द्वारा हम जो जीरो प्लेटिव में हमारे जितने भी यूथ हैं उनको हम ये बताना चाहते हैं कि आप किस तरह से एक स्किल्स को अपने आप में डेवलप कर सकते हैं, कि अगर मान लीजिए आपके पास में मेडिकल टीम पहुँचती है लेट से, मेडिकल अगर इमरजेंसी है तो आप कैसे अपने को हैंडल कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके साथ साथ हम लोगों ने सोसाइटी में जब भी
कई प्रोग्राम हम लोगों ने किया। अभी रिसेंटली वुमेंस वेलफेयर एसोसिएशन का भी प्रोग्राम हुआ था जिसमें हमारे बच्चों ने जाके वुमेंस के बारे में, वुमेंस के हेल्थ के बारे में उनको जाके वहाँ प्रेजेंटेशन दिया, उनके बारे में बताया कि आपको कैसे खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या चीज़ करने से आपका हेल्थ जो है सही रहेगा। क्योंकि हम लोग मेडिकल साइंस होने के नाते हमारा मेन कंसर्न होता है हेल्थ, और आपको पता होगा कि आज के दिन में इंडिया का जो सबसे मेजर जो इशू है वो हेल्थ इशू है, क्योंकि चाहे कोरोना हो या जो भी अभी बीमारी आ रही है। तो एक इंग्लिश में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब जो है लाइन है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम अपने आप को बीमारी से पहले क्यों ना बचाएं कि बीमारी के बाद हमको फिर दौड़ना पड़ता है। तो हमारा जो है मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम जीरो प्लेटू के साथ साथ में, जीरो प्लेटू में जितने भी लोग हैं उनको उनके हेल्थ के बारे में कंसर्न करें, उनके अवेयरनेस कैंप लगाएं, और इसी तरह से हम आगे भी स्टेट में भी हम लोग करते रहेंगे जैसे जैसे मौका मिलेगा। तो इस वक्त हम आए हैं 22 चांसलर के, एकदम से 22 चांसलर के ऑफिस पे। तो सर से हम लोग जानेंगे कि आज के प्रोग्राम के बारे में। तो आज का प्रोग्राम सर काफ़ी बहुत इंटरेस्टिंग रहा जी। तो किस किस चीज़ों पे ये फोकस किया गया है थोड़ा सा सर आप थोड़ा बता दीजिए जी। जरूर, ये लाइफ सेविंग स्किल्स का जो प्रोग्राम आज हम लोग ऑर्गेनाइज किए हैं, आई मीन इट इज़ रियल, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, वेरी इंटरेस्टिंग, एंड ये तो बहुत लाभदायक है। हमारा जो बच्चे हैं बहुत इंटरेस्ट से देख लिया है, ये ऑब्जर्व कर लिया। ये ट्रेनिंग जो है लाइफ सेविंग स्किल्स जो हैं स्पेशली फिजियोथेरेपी में बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। देखिए इसके ये लाइफ सेविंग स्किल्स सीखने से स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होता है, और ये तो खाली पेशेंट्स के लिए नहीं है, वो लोग अपने परिवार के लिए कर सकते हैं और समाज के लिए कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के लिए कर सकते हैं, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, सब चीज सब जगह इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। लाइफ सेविंग स्किल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हमारा इंदिरा गांधी टेक्नोलॉजिकल एंड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हमारा ये कोशिश है कि हमारे बच्चों को ऐसा स्किल्स सिखाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोग ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ऐसा प्रोग्राम्स और आगे भी हम लोग करेंगे। आज जो लोग आए हैं हैदराबाद से स्किल लाइफ सेविंग स्किल्स को प्रैक्टिकली दिखाने के लिए जो आए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है, बहुत अच्छा काम किया है ने, स्पेशली लोग बहुत एक्सपीरियंस रहे, वो लोग मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी में और बहुत सारे इंस्टीट्यूट यहाँ से डिग्री ले चुके हैं, और ये लोग जो हैं इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट को जाके सब लोगों को, सब स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को और फैकल्टी मेंबर्स डिफरेंट यूनिवर्सिटी में सब जगह ये लोग बता रहे हैं, प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसको सीखने से पेशेंट को कैसा हम लोग बचा सकते हैं। मैं इफ़ कोई आदमी रोड पर गिर गया, पता नहीं क्या उनका बीमारी क्या है, उनका हार्ट अटैक होगा, कोई पैरालिसिस होगा, कुछ भी होगा, तो ये सब चीज़ जानना कैसे हैं और इसको ट्रीटमेंट कैसे करना है और उसको अस्पताल कैसे पहुंचना है, ये सब चीज़ वो लोग बहुत अच्छी तरह से सबको बच्चों को सिखाए प्रैक्टिकल यहाँ पे इंटरनेशनल इंदिरा गांधी टेक्नोलॉजिकल मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो ये लोग ऐसा भी देर एक्सटेंड कर रहे हैं, इनका प्रोग्राम कोऑपरेट कर रहे हैं बहुत, और हमारे बच्चों को जब भी चाहिए वो लोग ये प्रोग्राम सिखाएंगे। और हम लोग हमारा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का हम यही चाहते हैं कि इन स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के लिए और ट्रेनिंग के लिए भी ऐसे इंस्टीट्यूट में भेजना चाहते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट में डिफरेंट फैकल्टीज हैं, फिजियोथेरेपी हैं, हमारा नेचुरोपैथी हैं, और बीएल लेबोरेटरी, बैचलर्स ऑफ लेबोरेटरी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी हैं, मास्टर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी हैं। ये सब चीज़ों में हम लोग हमारे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देना चाहते हैं कि हम लोग ये जीरो में एजुकेशन का बहुत ऊंचे स्थिति में लाना चाहते हैं। और इंदिरा गांधी टेक्नोलॉजिकल मेडिकल यूनिवर्सिटी जो हैं एस्टाब्लिश इसलिए किया है कि ये रिमोट प्लेस कि
ये पहाड़ों में इधर कोई एजुकेशनल इतना काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है. वी वॉन्ट टू मेक दिस इंस्टीट्यूट एज ए एजुकेशन हब एंड एज अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू कम फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एंड मेक इट सक्सेसफुल एंड उनका फ़ायदा होगा. सब ऑल द सब्जेक्ट्स सीखेंगे यहाँ से और इसका इज्जत बढ़ाएंगे और जीरो में कोई अनपढ़ लोग नहीं होना चाहिए और स्पेशली लाइफ स्किल्स जैसा मेडिकल जो स्किल्स होते हैं हम सबको सिखाना चाहते हैं. तो इसलिए हम लोग ऑर्गेनाइज किए हैं. वो लोग बहुत बढ़िया काम किए हैं आज एंड हम लोग फ्यूचर में भी ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और कॉन्फ्रेंसेस सिम्पोजिया सेमिनार ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं ताकि हमारे बच्चा इसका फ़ायदा उठाएँ और उसका ट्रेनिंग अच्छी तरह संग्रहण करें और समाज को सेवा कर सकते हैं.